के इलेक्शन कमीशन के स्वाधीनता पे सवाल नहीं उठाना चाहिए, वो एक स्वतंत्र एजेंसी है। और पप्पू यादव अगर आज के समय में सांसद हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के द्वारा ही चुनाव लगाया गया, उसी चुनाव में वो जीते हैं। इससे चुनाव से किसी पार्टी को या किसी सरकार को कोई लेना देना नहीं रहता। चुनाव आयोग ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जिस व्यवस्था से पप्पू यादव को जंगल राज जैसा व्यवस्था कायम करने के लिए जो है छोड़ा जा सकता है। और राज सिंह जी अपना यात्रा कुछ अपना निकालते होंगे, तो अगर सभी लोग स्वतंत्र होते हैं अपने अपने हिसाब से यात्रा निकालने के लिए, वो अपना धार्मिक रूप से या राजनीतिक रूप से कुछ यात्रा निकालना चाहते हैं तो निकालने क्या। पप्पू यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया है, उनके इस सवाल को लेकर मंत्री जयंत राज ने उनको जवाब दिया है। देखा जाए तो अक्सर चुनाव आयोग पर विपक्ष के द्वारा सवाल किया जाता है कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार की बात पर काम करते हैं। इसको लेकर जयंत राज ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के काम पर सवाल नहीं उठना चाहिए, यह एक स्वतंत्र एजेंसी है और पप्पू यादव आज के समय में सांसद है तो कहीं ना कहीं उसमें भी चुनाव आयोग के द्वारा ही लाए गए हैं। चुनाव आयोग के द्वारा किसी पार्टी या किसी व्यक्ति को लाभ नहीं पहुंचाया जाता है। वहीं पप्पू यादव के बयान पर कहा है कि बड़बोलेपन में पप्पू यादव कुछ भी बोलते रहते हैं। संवैधानिक रूप से जो भी अधिकार लोगों को मिलता है उसका एक सिस्टम बना हुआ है, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं हुआ है जिससे व्यवस्था से पप्पू यादव को जंगल राज जैसी व्यवस्था के काम के लिए छोड़ा जा सकता है। सरकार सक्षम है कार्रवाई करने के लिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो या बिहार की सरकार हो। वहीं गिरिराज सिंह की यात्रा पर भी कहा है कि गिरिराज सिंह यात्रा पर निकल रहे हैं, वो धार्मिक या राजनीतिक रूप से यात्रा पर निकलना चाहते हैं तो निकले। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री जयंत राज, वो जरा सुने आप लोग। के इलेक्शन कमीशन के स्वाधीनता पे सवाल नहीं उठाना चाहिए, वो एक स्वतंत्र एजेंसी है। और पप्पू यादव अगर आज के समय में सांसद हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के द्वारा ही चुनाव लगाया गया, उसी चुनाव में वो जीते हैं। इससे चुनाव से किसी पार्टी को या किसी सरकार को कोई लेना देना नहीं रहता है चुनाव आयोग से, वो बिल्कुल स्वतंत्र एजेंसी है और स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। इससे पहले भी सर उन्होंने ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि भारत में लोग हिजड़े हैं और अगर उन्हें कानून उनके हाथ में दिया जाए 24 घंटे के लिए तो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का वो इसको नाबूद कर देंगे। अरे अपने बड़बोलेपन में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, संवैधानिक रूप से जो अधिकार मिलता है लोगों को वो उसका बिल्कुल एक सिस्टम बना हुआ है। ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जिस व्यवस्था से पप्पू यादव को जंगल राज जैसा व्यवस्था कायम करने के लिए जो है छोड़ा जा सकता है। और सरकार बिल्कुल सक्षम है कार्रवाई करने में, केंद्र की सरकार रहे या राज्य की सरकार रहे, वो बिल्कुल सक्षम है किसी भी मामले में कार्रवाई करने। देखिए गिरिराज सिंह जी अपना यात्रा कुछ अपना निकालते होंगे, तो अगर सभी लोग स्वतंत्र होते हैं अपने अपने हिसाब से यात्रा निकालने के लिए, वो अपना धार्मिक रूप से या राजनीतिक रूप से कुछ यात्रा निकालना चाहते हैं तो निकालने क्या। सीमांचल में सीमांचल में उनकी यात्रा लगता है खास बात को टारगेट करना है ऐसा। इस बात को अगर आप गिरिराज जी से ही ज़्यादा पूछिएगा तो ज़्यादा बेहतर वो नहीं, गिरिराज जी से अगर इस सवाल को पूछिएगा वो ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकेंगे, क्योंकि गिरिराज जी के तो हम प्रवक्ता हैं नहीं। और हम लोग सभी जनता दल यू सभी धर्मों को लेकर चलने वाली पार्टी है, ऐसा कोई धर्म से जनता दल यू को कोई ये नहीं है पैर नहीं है, सभी धर्मों को लेकर चलने वाली पार्टी। सर तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि 2025 के चुनाव में एनडीए को ये तो लगातार वो देते रह रहे हैं। तेजस्वी यादव जी इससे पहले भी जो लोकसभा का चुनाव हो रहा था उस समय भी वो जो एंटी गठबंधन था इंडिया गठबंधन था उसी का सरकार वो बना रहे थे, लेकिन जनता सबसे ऊपर है, जनता को पता है कि किसका सरकार बनाना है और किसका सरकार
बिहार में जंगल राज लाना है, ये जो बिहार में विकास की सरकार चल रही है उसको आगे इलेक्शन में क्या होगा, चारों सीट हम लोग चुनाव जीतेंगे, बड़ी मजबूती के साथ हम लोग चुनाव जीतेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात हर एक सीट हम लोग बता रहे हैं ना, चारों सीट हम लोग चुनाव जीतेंगे। झारखंड में क्या होगा? झारखंड में तो हम लोगों के नेता ने बोला है कि जो है हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे और एनडीए की सरकार बनेगी झारखंड में। जो लूटने वाली सरकार है, जो खनिज को लूटते आ रही है लगातार सरकार, उसको अब खनिज लूटने नहीं दिया जाएगा और आने वाले समय में एनडीए की सरकार बनेगी, वहां पर भी विकास के साथ। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24।